हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी 18th लेक्चर ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल ब्रिक्स एंड टाइल्स। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टाइल्स के बारे में, ठीक है, उसके प्रिपरेशन ऑफ टाइल्स, मोल्डिंग कैसे करते हैं, ठीक है, उसके बाद उसको सुखाने के लिए या ड्राइंग कैसे करते हैं, या उसको उसके बाद बर्निंग प्रोसेस में कैसे ले जाते हैं, ठीक है। तो टाइल्स को अब नेक्स्ट आ गया अपना टाइप्स ऑफ टाइल्स। तो कितने प्रकार की जो है टाइल्स है और कहां कहां ये यूज होती है, ठीक है। तो ये लगभग 5 प्रकार की टाइल्स है, ठीक है। The tiles are used at different parts of the building. So depending upon their use. Their uses can be classified as follows, ठीक है। तो उनके प्रयोग के अनुसार या उनके यूज, जैसा भी उसका यूज होता है टाइल्स का, तो उसके अकॉर्डिंगली उसी के प्रयोग पर डिपेंड करता है जो इसकी जो है टाइप्स ऑफ टाइल्स। नंबर 1, फ्लोर टाइल्स। नंबर दो वॉल टाइल्स। नंबर 3, सीलिंग टाइल्स। नंबर 4, ड्रेन टाइल्स। नंबर 5, रूफिंग टाइल्स, ठीक है। तो इनके यूजेज के हिसाब से ही जो टाइल्स का नाम रखा गया है। जैसे कि हमें पता है कि फ्लोर टाइल्स जो फर्श के ऊपर लगाने के लिए जितने प्रकार की हमें टाइल्स की जरूरत पड़ती है, तो वो फ्लोर टाइल्स कहलाती है। और वॉल टाइल्स दीवार वगैरह पे, ठीक है, दीवार के ऊपर लगाने के लिए क्या करते हैं, जिन टाइल्स का हमने यूज करना है, तो वो वॉल टाइल्स के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट आ गया सीलिंग टाइल्स। जैसे सीलिंग, छत के ऊपर जो सीलिंग वगैरह करते हैं, तो उसमें जो जिस प्रकार के टाइल्स यूज करते हैं, तो वो सीलिंग टाइल्स कहलाती हैं। और जो ड्रेन टाइल्स है, तो जो ड्रेनिंग पर्पज के लिए या ड्रेन में, ठीक है, उसके ऊपर टाइल लगाने के लिए जिन टाइल्स का प्रयोग किया जाता है, वो क्या कहलाती है, ड्रेन टाइल्स। नेक्स्ट आ गया रूफिंग, जो छत के ऊपर, ठीक है, छत के ऊपर जो लगाने के लिए जिन टाइल्स का हमें आवश्यकता होती है, वो रूफिंग टाइल्स। तो हम सबसे पहले लिखेंगे फ्लोर टाइल्स के बारे में, ठीक है। क्या होते हैं फ्लोर टाइल्स? सबसे पहले फ्लोर टाइल्स, ठीक है, जैसा कि इसके नाम से ही पता लगता है, एज इन नेम सजेस्ट, इसका नाम ही बता देता है कि फ्लोर टाइल्स के बारे में, ठीक है। फ्लोर टाइल्स आर यूज्ड फॉर फ्लोरिंग। Used for flooring of the building,
ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग की जो है फ्लोरिंग करने के लिए जो फ्लोर टाइल्स का यूज किया जाता है। द टाइल्स आर जनरली स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर, बट नाउ ए डे मैनी अदर shapes are also available, many other shapes are also available, also available in the market. ठीक है, market के अंदर जो है जो जनरली तौर पर तो जो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप में जो है टाइल्स यूज की जाती हैं, लेकिन आजकल जो है बहुत ही अलग अलग प्रकार की जो है शेप्स में जो है टाइल्स जो है मार्केट के अंदर अवेलेबल होती है या मिल जाती हैं। ठीक है, दी टाइल्स आर फ्लैट टाइल्स। ठीक है, इस प्रकार की जो टाइल्स है वो क्या कहलाती है, वो फ्लैट टाइल्स होती है। ठीक है, द फ्लोर टाइल्स आर अवेलेबल इन मार्केट, द फ्लोर टाइल्स आर अवेलेबल इन many size, in many size, but they have thickness between 12 मिलीमीटर टू 50 मिलीमीटर। ठीक है, 12 मिलीमीटर से 50 मिलीमीटर के साइज में जो है ये इसकी जो मोटाई जो है अवेलेबल होती है। ठीक है, वैसे तो विभिन्न साइजों में ये उपलब्ध होती है। द फ्लोर टाइल्स आर should be hard enough। ठीक है, ये सख्त होने चाहिए टू रेसिस्ट बियर, एंड एनी अदर अनवांटेड मटेरियल टू टीयर वियर एंड टीयर ड्यू टू लोड, वियर एंड टीयर ड्यू टू लोड। ठीक है, ताकि वो हर एक प्रकार का जो है लेड लोड जो है ले सके, ठीक है, उसको सहन कर सके, तो इस प्रकार से ये हार्ड होनी जरूरी होती है। ठीक है, दिस शुड बी वेल बर्न, ठीक है, ये जो है अच्छी तरह से जो है जलाई हुई या तपाई हुई होनी चाहिए, एंड फ्री फ्रॉम पेबल्स, एंड फ्री फ्रॉम पेबल्स, ग्रेट्स,
एक्सपीरियंस। ठीक है, इसके अंदर अच्छी तरह से जो है तपाई तपी होनी चाहिए या अच्छी तरह से भुनी होनी चाहिए और फ्री फ्रॉम पेबल्स। ठीक है, किसी प्रकार के उसके अंदर कंकड़ वगैरह बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए। ठीक है, कंकड़ या जड़ी रीड्स वगैरह या अदर जो किसी प्रकार के अनवांटेड मटेरियल उसके अंदर जो है नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए। ठीक है, दिस शुड हैव यूनिफॉर्म टेक्सचर। ठीक है, दिस शुड हैव यूनिफॉर्म टेक्सचर। ठीक है, तो इसके लिए शेप और साइज के अनुसार जो है बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए और इसके अंदर किसी प्रकार के भी कंकड़ पत्थर नहीं होना चाहिए या उसके खुरदरापन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये थे फ्लोर टाइल्स। तो आगे आ गया एडवांटेज ऑफ फ्लोर टाइल्स। ठीक है, ये इसके लाभ क्या क्या है फ्लोर टाइल्स के। एडवांटेजेस एडवांटेजेस ऑफ फ्लोर टाइल्स। क्या क्या लाभ हमें, जैसा कि पता है ये जो है वजन में हल्की होती है। ठीक है, और आसानी से काम करने में भी आसानी होती है। ठीक है, और ये विभिन्न कलरों में भी और या शेड्स में अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, पॉलिशिंग वगैरह भी इसमें आसानी से हो जाती है। ठीक है, और ये एडजस्टेबल भी जो है उसके अकॉर्डिंग फ्लोर्स के अकॉर्डिंग हो जाती है। ठीक है, और स्क्रैच प्रूफ होती है और डैम प्रूफ होती है ये टाइल्स। तो ये इसके एडवांटेज है। जैसे नंबर एक, एज दे आर लाइट इन वेट, दे आर लाइट इन वेट सो इट इज वेरी इट इज वेरी इजी टू वर्क with them, easy to work with them, इसके द्वारा जो है काम करने में आसानी होती है। नंबर दो, they are available in a variety of, they are available in a variety of color and shapes। ठीक है, शेप्स और कलर में जो है ये हर एक शेप्स और कलर में उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर पॉलिसी इन नंबर तीन, polishing is not required on floor tiles, required on floor tiles so that the time of polishing time of
फ्लोर एंड अ फ्लोर एंड अ फ्लोर इज अवेलेबल जस्ट आफ्टर द completion of work. ठीक है, तो इसके अंदर पॉलिशिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसमें जो है टाइम अपना सेव हो जाता है। ठीक है, और फ्लोर के में जो है टाइल्स लगाने के बाद वो जो है यूजेबल हो जाती है। ठीक है, उसको प्रयोग करने के लायक हो जाती है। ठीक है, उसके बाद उसको जो है पॉलिशिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, नंबर चार, दे आर They are scratch proof and they are scratch proof and having damp proof properties. ठीक है, इसमें किसी प्रकार के और इसमें स्क्रैच वगैरह नहीं पड़ते हैं। ठीक है, और दूसरा ये डैम्प प्रूफ होती है। ठीक है, इसमें कोई सीलिंग वगैरह या कोई किसी पर आपकी नमी वगैरह जो है नमी नहीं होती है। ठीक है, इसी करके ये जो है बेटर रहती है टाइल्स, फ्लोर टाइल्स। नेक्स्ट आ गया अपना वॉल टाइल्स, सेकंड है वॉल टाइल्स। सेकेंड अपना आ गया वॉल टाइल्स। ठीक है, वॉल टाइल्स। ठीक है, जो दीवारों के ऊपर लगाने के लिए काम में आती है। द टाइल्स यूज्ड टू फिक्स the wall of the structure, the wall of the structure is known as wall tiles. क्या कहलाती है? wall tiles कहलाती है। ठीक है, they are nearly same as that of floor tiles, but that of floor tiles, but लेकिन they have less compressive strength, they have less compressive strength. ठीक है भाई, तो ये क्या कहता है कि जो है फ्लोर टाइल्स की तरह ही होती है, लेकिन इसके अंदर जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है जो उसको सहन करने की शक्ति है वो क्या होती है? कम होती है अकॉर्डिंग टू फ्लोर टाइल्स। ठीक है, तो दे आर आल्सो अवेलेबल इन
दे आर ऑल्सो अवेलेबल इन कलर, दे आर ऑल्सो अवेलेबल इन नंबर ऑफ कलर, साइज एंड नंबर ऑफ कलर, साइज एंड शेप्स। ठीक है, विभिन्न प्रकार के ये उसमें कलर साइज और शेप में जो है अवेलेबल होती है। दे आर वेरी मच डेकोरेटिव, दे आर वेरी मच डेकोरेटिव, मच डेकोरेटिव एंड ऑल्सो यू विल वेयर द चांस ऑफ, ऑल्सो यू विल वेयर वेयर द चांस ऑफ डैम्पनेस इज हाई, वेयर द चांस ऑफ डैम्पनेस इज हाई। ठीक है, जहां पे मॉइस्चर वगैरह या डैम्पनेस या उसके अंदर जो है खुरदरापन या उसके अंदर नमी वगैरह दीवार के अंदर आने की संभावना होती है, वहां पर इसको ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है। और ये डेकोरेटिव पर्पस के लिए भी, डेकोरेशन के लिए भी, पर्पस के लिहाज से भी ये इस्तेमाल की जाती है। तो ये थी वॉल टाइल्स। नेक्स्ट आ गया अपनी सीलिंग टाइल्स। ठीक है भाई, सीलिंग टाइल्स। ठीक है, तो जैसे कि इसके नाम से ही है, तो सीलिंग ऊपर रोक के जो है नीचे सीलिंग करने के काम में आती है। ठीक है, दी टाइल्स विच आर फिक्स्ड ऑन दी टाइल्स विच आर फिक्स्ड ऑन द इनर साइड ऑफ रूफ, इनर साइड ऑफ रूफ, आई सीलिंग आर नोन एज रूफ। एग्जाम्पल, सीलिंग आर नोन एज सीलिंग टाइल्स। अगर रखिए सीलिंग टाइल्स, तो निचली स्तर पर जो रूम की निचली साइड पर जो भी टाइल जो है सीलिंग के लिए यूज की जाती है उसको फिक्स कर दी जाती है, वो क्या कहलाती है, सीलिंग टाइल्स। द टाइल्स अडॉप्ट द फॉर सीलिंग टाइल्स adopt the ceiling in the building, ceiling in the building should have thin section, should have thin section। ठीक है, ये पतली परत में जो बिल्डिंग के अंदर सीलिंग के लिए यूज की जाती है, फॉर फिक्सिंग ऑफ सीलिंग, फॉर फिक्सिंग ऑफ सीलिंग, फॉर फिक्सिंग ऑफ सीलिंग
टाइल्स स्टील लेवर ड्रिलिंग टाइल्स स्टील लेवर इज रिक्वायर्ड ठीक है। इसके लिए जो है सीलिंग के लिए ठीक है स्किल्ड लेवर इनको अच्छी तरह से उसको जो है लगाना आता है या उसको फिक्स करना आता है तो वो स्किल्ड लेवर जो है की रिक्वायरमेंट होती है ठीक है। इसको जो है लगाते हैं ठीक है। सीलिंग टाइल्स गिव सीलिंग टाइल्स architectural views ठीक है। ये क्या देती है architectural views देती है ठीक है। उसको जो है देखने में बहुत अच्छी लगती है सुंदर लगती है ठीक है। और ये architectural के हिसाब से भी ये बहुत बढ़िया होती है ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया अपनी ड्रेन टाइल्स। नेक्स्ट है अपनी ड्रेन टाइल्स। ड्रेन टाइल्स तो ये कहा दिस टाइल्स विच आर यूज फॉर लाइनिंग ऑफ टाइल्स। टाइल्स विच आर यूज फॉर लाइनिंग ऑफ टाइल्स। लाइनिंग ऑफ टाइल्स ऑफ ड्रेन ऑफ ड्रेन आर नोन एज ड्रेन टाइल्स ठीक है। जो लाइनिंग के लिए ठीक है ड्रेन के अंदर टाइल्स की लाइनिंग के लिए जो यूज की जाती है वो लाइनिंग टाइल्स कहलाती है ठीक है। द शेप ऑफ द टाइल्स मे बी द शेप ऑफ द टाइल्स टाइल्स मे बी सर्कुलर सर्कुलर और सेमी सर्कुलर सेमी सर्कुलर ठीक है होता है ठीक है। तो ये डोमेस्टिक पर्पज के लिए ड्रेनिंग पर्पज के लिए यूज की जाती है ठीक है। ये थे ड्रेन टाइल्स के बारे में ठीक है। तो नेक्स्ट हम करेंगे रूफिंग ऑफ टाइल्स के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।